मेरी तो भगवान ने ऐसी तुम्हारी मुंह भाषा सुनी कि मेरी तो जर्मनी निकल आई। 5 साल में तुमने इसमें कितनी बार सीवन करवा दिया डॉक्टरों से, कितनी बार भैंसे से बताओ? 200 बार भी थोड़े हैं। इलाज किया, इलाज करने के बाद में हमने 20 दिन बाद ये क्रॉस कर दी। आज ये चेक कर दिया, कितने महीने क्या बना गई? 2 महीना पक्की गया, 2 महीना सब न कही लू कट, अब कही कटेगी बिकेगी, अब ना बदल लू कही हूँ। उनसे भी दवाई धरवा ली, उधर पुरवा रहे 200 उनसे भी धरवा ली, निराम लिखे से भी धरवाई, और तुम 5 महीने धरी है। सीमन तो 20 से भी ज्यादा से बदलवा दी, और कटरा से बदलवा दी, नथवाई भी दी जब भी ना रुकी। अब ये बच गई, मेरे तो तुमने बचाई है, बदलवा दे जब भी वो आ गई। कसाई मेल भी मेहनत दे रही, अभी अपनी कटिया भी होगी तो एक बार फिर भी बदलवाऊंगी उनसे ही। जब पाले मेहनत मारा है तो देखना भी चाहिए, दवाई गोली करवाए बिक जाती कट जाती अब तक कभी की, वैसे इंतजार भी जरूर देखना चाहिए। सबर से खुश है बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो और उनसे भी कहूँगा, उनसे दिखाई अपनी दोस्त। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक गांव में आए थे और ये हीपर्स कटिया आया और ये रिपीटर है, कितनी बार की पूछेंगे। आंटी मेरे साथ है, बताएंगी ये कितनी बार हमने करा दी है और कितनी बार और कैसे कैसे ये गया बनोगी, क्योंकि ये परेशान थी। सबसे पहले आप सभी से, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये बताओ माँ, ये बताओ ये कितनी बार तुम्हारी ये कटिया? 200 बार बदलवाई हमने। 200 बार? हाँ। तुमने दवाई धरी जब जाके? अच्छा ये बताओ ये कितने साल की हुई पहले? तो होगी 4-5 साल की। 4-5 साल की हो गई है? हाँ। तो 4-5 साल की हो गई है, उससे पहले अभी एक बार भी ब्याही नहीं है ना। और ये तुम्हारे घर की कटिया है या खरीदी हुई है? घर की है, मतलब 4-5 साल की हो गई है। 5 साल की हो गई है, 5 साल में तुमने इसमें कितनी बार सीवन करवा दिया डॉक्टरों से, कितनी बार भैंसे से बताओ? 200 बार भी थोड़े हैं। 20 बार डॉक्टरों से? हाँ। कटरा से बदलवा दी एक बार कटरा, 200 बार डॉक्टर से? हाँ, 200 बार डॉक्टर से, 3-4 बार दवाई भी करवा दी, वो तो और डॉक्टरों से भी दवाई रखवा दी। हाँ, तो दोस्तों ये हीपर्स कटिया है, इन्होंने मुझे बुलाया और हम आए तो इन्होंने बताया कि राग साहब ये कटिया हमारी जो है कम से कम 200 बार कराती है, मतलब 20 से ज्यादा बार कराती है, अगले आदमी की गिनती नहीं है इसकी कि कितनी बार कराती है, 20 से ज्यादा बार कराती है और ये ज्ञापन नहीं रुकी। इन्होंने मुझे फोन करा तो एक बार तो हम भी करके गए थे, एक बार हमने भी करी तो हमने इनसे यही कहा कि एक बार हम करके देख लेते हैं, अगर रुक जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं रुकेगी तो हम इसमें दवाई डालेंगे और दवाई डालने के बाद हम इसे क्रॉस करेंगे। तो वो पहली बार जब सीमन डाला तो नहीं रुकी, इसके बाद में हमने इसका इलाज किया, ऐसा ही है ना? इलाज किया, इलाज करने के बाद में हमने 20 दिन बाद ये क्रॉस कर दी, क्रॉस करी तो आज ये चेक कर दिया, कितने महीने क्या बना गई ये खुद बताएंगे। 2 महीने की ये कटिया क्या बना गई है, और ऐसी हीपर्स कटिया जो 17, 18, 20, 22, 25 बार जिनमें डॉक्टरों ने ये भी कह दिया। अच्छा तुम कह रही थी ये भी कह रहा डॉक्टर को भेज दो, रुकेगी नहीं? सब ना कही लू कट, अब तो कटेगी बिकेगी, अब ना बस रुकेगी हो, अब ना रुके जो कह रही नुम दे दो खुद कह रही नुम दे दो, तुम्हारी कटिया ना रुक रही, ना रुक रही। हाँ मैं बोली ना, अभी तो मैंने डॉक्टर साहब से दवाई धरवाऊंगा अली परिवार से, और देखो एक दो फिर बदलवा तुमसे। अच्छा पहले मतलब ऐसा मान लो लास्ट सही हो गया था कि आपने ये रुके कि नहीं? हाँ लास्ट सही माना, सभी लोग कहने लगे कि रुके कि नहीं, बेच दो। अच्छा एक बात बताओ, एक कितनी अच्छी बात है कि ये कटिया जैसे अब ज्ञापन रुक गई है आपके यहाँ, और इसमें हमने लास्ट बार 2 महीने पहले सीमेंट डाला था और हमने आपसे यही कहा था कि अब ये रुक गई तो रुक जाएगी, नहीं रुकेगी तो फिर ये नहीं रुकेगी। तो इस बार ये दवाई डालने के बाद में एक बार में ज्ञापन रुक गई। तो जैसे अभी बताओ, जैसे अब ये कटिया है, अब ये अगर नहीं रुकती तो ये बेचारी कट जाती। हाँ, कट जाती, इसका क्या कसूर उसमें? लेकिन हम लोग क्या गलती हाँ। करते हैं कि कई कई बार करवा लेते हैं, फील्ड के लोग रहते हैं वो ये ध्यान नहीं करते हैं कि जैसे ये कटिया है इसके अंदर जो कमी है उसका इलाज किया जाए पहले। अच्छा तुमने तो इलाज भी करा लिया था? हाँ, इलाज भी करवाया हुआ, जर्रा बुढ़े हसनपुर के वो भी आए नासिर, सबसे दवाई रखवा ली, उनसे भी दवाई धरवा ली और डॉक्टर से भी रखवा ली, उधर पुरवा रहे 200 उनसे भी धरवा ली, अब ये तुमसे धरवाई चौथे से, अब चौथा था मैं डॉक्टर जो निराम लिखे से भी धरवाई और तुम 5 महीने धरी है। अच्छा हाँ। सीमन तो पता नहीं कितने से करा दिया, सीमन तो 20 से भी ज्यादा से बदलवा दी। अच्छा, और कटरा से बदलवा दी, नथवाई भी दी जब भी ना रुकी। अच्छा नाथने से भी रुक जाती है क्या? हाँ, नाथ से रुके, नथवा दे पलटा खवा दे जब भी ना रुकी। अब की बार कुछ नहीं किया, ना पलटा ना नाथ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, अब की बार ऐसी रुक गई। हाँ। तो दोस्तों ये सब जो है गांव में लोग कहते हैं कि नाथ डाल दोगे या पलटे लगवा दोगे तो पशु ज्ञापन रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब पशु के अंदर कमी रहती है तो पशु ज्ञापन नहीं रुकता है, लेकिन जैसे ही पशु की कमी दूर हो जाती है पशु ज्ञापन रुक जाता। अब ये हीपर्स कटिया जो कटने को जा रही थी आज ये ज्ञापन रुकी है, अब ये एक बार नहीं कितनी बार भी आएगी आपके यहाँ, और अगर ये हर बार भी आती रही तो हमें मौका दोगे अगली बार भी करने का? तुम्हें बुलाएंगे। तो दोस्तों ये कटिया है जो कटने वाली थी, कुछ दिनों में बिकने वाली थी, क्योंकि 20-22 बार किसान
करवा दे, इसके बाद पालता रहे, ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत खर्चा आता है पशु में। मेरी बहुत दर्द लगा, बहुत मेरी ना कटे मन कैसे रुक जा। हाँ, तो अब ये बच गई, अब ये बच गई, मेरे तो तुमने बचाई है। अब इसकी जो है जान, हम देखो क्या होते हैं बचाने वाले, हम तो सिर्फ कर्म करते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि जो पहली बार कटिया है, देखो भैंस रहती है, भैंस तो दूध देती है, तो लोग पालते रहते हैं, 1.5 साल भी पाल लेगा, 2 साल भी पाल लेगा। मैं तो कह रहा हूँ 5-6 साल की बात है, 4 साल तो हमारा बुढ़ा गया होगा, ज्यादा 5 साल से भी, 5 साल से ज्यादा पाल रही हूँ मैं। इन कटियों को पालना महाभारत है, क्योंकि ये दूध भी नहीं दे रही, ये खाली खा रही, ये परेशान भी करती है। तो ये तुमने पाल रखी, अच्छा ये अच्छी बात है कि तुमने इसका इतना इंतजार किया। अच्छा, हमारा नंबर कहाँ से मिल गया तुम्हें? पहले हम कभी नहीं आए ना आपके यहाँ। तुम्हारा नंबर मिला हमें इनके घर से। अच्छा, इनके घर से मिला है। अच्छा, हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम जो काम करते हैं वो सबके सामने लाते जरूर है, दिखाते ये है कि जैसे ये कटिया बच गई। सभी कटिया तो हम नहीं बचा पाएंगे, लेकिन उम्मीद ये करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जितनी मेरी कोशिश हो सकती है जिन पशुओं को ज्यादा से ज्यादा कटने से बचाया जाए। देखो हमारा इसका क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि मेरे इसके करने से, इसका इलाज करने से इसकी जान जरूर बच गई। अगर हम नहीं करते तो मैं मानता हूँ कि 20 बार तुमने करा दी, अब तुम इसे नहीं करा दी। बदलवा दे जब भी वो आगे, कसाई मेल भी मैंने दे रही, अभी अपनी कटिया ना भी। अच्छा, फिर भी कसाई आ गए? हां, ना भी होगी तो एक बार फिर भी बदलवाऊंगी। सही, कसाई कब आए थे? आए अभी एक महीना भर भी ना हुए, मतलब नहीं कराने के बाद भी आए हैं। नुगई गावन नान बेग दमन मैंने बेच दी, जब मैंने उतना सुना बेची तो मैंने बेच दी, मैं और भी देख लूंगा एक आध बार बदलवा के। तो मेरी तो भगवान ने ऐसी तुम्हारी मुंह भाटा सुनी कि मेरी तो ज्ञान ही निकल आई। ये जो है बहुत अच्छी भैंस बनेगी और बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। दवाई डाला, सीमेंट डाला, कोई दिक्कत नहीं करती कभी किसी तरह की, छोड़ दो छोड़ दो। तो अभी इन्होंने नथवा भी दिया इस चक्कर में कि ये 51 रुपए दी, पलटे भी लगवा दिए पर 51 नहीं रुकी, लेकिन इस बार हमने सीमेंट डाला था, इलाज किया था, सीमेंट डाला था, इसके बाद में ये कटिया 51 रुपए। अच्छा ये बताओ कुछ कहना चाहोगी जिन लोगों की कटिया 51 रुपए, कुछ कहना चाहोगे उनके लिए? जैसे कटिया रखते हैं 51 नहीं रुकती है तो उन्हें इलाज कराना चाहिए या? हाँ, जैसे इलाज कराना चाहिए, जब पाल है, मेहनत मार रहे हैं तो देखना भी चाहिए, दवाई गोली करवाएगा देखना भी चाहिए। हाँ? और मैं मानता हूँ अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं। क्योंकि देखो 20 बार करवा दी, बहुत सारे डॉक्टर आए, हमने तो कितनी झेली है, हमने तो कितने बार पाली है शौक से, इतना कोई झेलता नहीं है, कोई भी ना झेलता, ना कोई रोकता, इतनी देर में कई बार बिक जाती है। हाँ, बिक जाती, कट जाती है, कभी की कब की, वैसे इंतजार भी जरूर देखना चाहिए। हाँ, समर से अब देखो आपने इतना इंतजार किया, लास्ट में हमारा भी इंतजार किया। अच्छा, मेरे सीमन डालने के बाद फिर भी इंतजार किया एक बार, दवाई रखने के बाद। अच्छा, पहले जब सीमन डाला तो हमने बताया था मैंने अंदर है कमी, हल्की सी कमी है, लेकिन हम इसका इलाज करेंगे, तुम तो लगा दो दवाई। तो दोस्तों ये कटिया 51 है और हमारा महिला पशुपालक हमारी जो है वो बहुत खुश है। खुश हो हमारे काम से? खुश है बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो और उनसे भी कहूँगा, उनसे दिखाइए अपनी दोर। तो दोस्तों ये कटिया 51 है, अब ये 2.5 महीने की 51, 2 महीने 51 आ गई है, चेक कर दी है और पक्की कंफर्म प्रेगनेंसी है। 2 महीने अभी बेचेंगे नहीं, अब बेचना पाते थे। अगर अगली बार भी ये ब्याती है, ब्याने के बाद भी परेशान करती है तो मुझे जरूर दिखाना। हाँ, क्योंकि अब ये जान बच गई तो अब ये जरूर भी आएगी हर बार भाई, पहली बार भी आएगी तो फिर हर बार भी आएगी, ऐसे मान लो। तो अब ये कटिया कटेगी नहीं, बच गई है। तो दोस्तों ये कटिया, जैसे हम ये हिपर्स कटियों का एक मुहिम है हमारी, जो हिपर्स कटिया है उनको कटने से बचाया जाए, और वही मुहिम हमारी गाय भैंसों दोनों के लिए है, गायों को छोड़ने से बचाया जाए। जो लोग गाय छोड़ रहे हैं, बच्चे छोड़ रहे हैं उनके लिए वो भी सही नहीं है, उनके लिए भी मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो लोग गाय छोड़ रहे हैं वो गायों को ना छोड़े, जो पशु 51 नहीं रुक रहा उनका इलाज कराए सही से, जो डॉक्टर सही से डायग्नोस करे उसका ट्रीटमेंट कराए। और ऐसा नहीं है कि सारे पशु बांझ हैं, सब में कमी है, कुछ पशु ऐसे हैं जिनमें कमी है, इलाज होके वो ठीक हो सकते हैं, 51 रुक सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 100 से ज्यादा वीडियो पड़ी हुई है और 100 से ज्यादा कटियां 51 रुकी हुई है, वो कटियां जो 51 नहीं रुक रही थी, कट रही थी, बिक रही थी, उनको हमने घर जाके रोका। और किसान को समझाने में मैं इतना सक्षम हो जाता हूँ कि किसान मेरी कहने से पशु रोक लेता है, अगर नहीं रोकेगा तो वो पशु बिकेगा जरूर। तो अभी इन्होंने मेरे कहने से ये कटिया रोक ली, अब ये 51 रुक गई, अब ये नहीं बिकेगी, अब ये दूध देगी, और जब ये दूध देगी तो हम भी पीने आएंगे। हाँ, तुम्हें पिलाएंगे खुशी से, दूध खूब है, तुम तो पीने, एक गिलास दूध पीने जरूर आएंगे, क्योंकि हम दो गिलास पिलाएंगे तुम्हें। तो दोस्तों इस तरह का हम काम करते हैं, काम करने की पारदर्शिता हम आपके सामने लाते रहते हैं ताकि इस तरह से लोग प्रेरित हो और ये इस तरह की कटियों को जो कटने से बचाया जाए। दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।